एक सिद्धार्थ तुम्हें एक और सवाल आपसे जानना था कि जो हॉस्टल आप बता रहे कि जो हॉस्टल का रेंट 280 से 350 यूरोस के बीच में मिल रहा है, इसमें क्या आपका इंटरनेट के चार्जेस होगा या जो हीटिंग के बिल्स वगैरह आते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी? हाँ, इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है प्लस जो गैस है और साथ में वाईफाई है, सो यू गेट यू नो इंक्लूसिव, तो इसको कहते हैं वार्म मीटर। तो वार्म मीटर में लाइक 350 जो मैं बता रहा हूँ, 280 350 में आपको मिल जाता है जनरली। उससे ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी ले रहे हैं तो यू गेट यू नो बिट चीपर। अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हो तो अराउंड 350 to 400 के रेंज में जा सकता है, बट 400 इज रियल ऑन द अपर साइड। हाई एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन, और आज हम लोग हैं हॉक्शुला फुल्डा यूनिवर्सिटी में सिद्धार्थ शाह के साथ में, जो कि आरकेयर के थ्रू कह सकते हो कि इन्होंने 2021 में हमसे काउंसलिंग ली थी, एंड देन ही केम हियर फॉर विंटर इनटेक इन 21 इटसेल्फ, राइट? सो लाइक आई नो हिम फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर नाउ, एंड ही इज बीन आस्किंग मी टू विजिट हिज सिटी एज वेल एंड टू मीट हिम एज वेल, सो फाइनली आई एम हियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अभी तक की इसकी लाइफ रही है हॉक्शुले फुल्डा में, प्लस एज ए फुल्डा एज ए सिटी एज वेल, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे शुरू किया, जर्मन लैंग्वेज इनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखा था जो इंडिया से ऑलरेडी सीख के यहाँ पे आए हैं, प्लस और कुछ कुछ बातें कि जो फुल्डा के बारे में बताना चाहेंगे कि नाइट लाइफ कैसी। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे पूछते हैं कि भाई हम कोई गाँव में तो नहीं भेज दे रहे उनको, तो ये क्या गाँव है नहीं है, ओके, नियर बाय की सिटी कौन सी है, यहाँ से कोई पहली बार मान लो कि अब जर्मनी से इंडिया से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कौन सा नियर बाय एयरपोर्ट रहेगा जो उनके लिए सुटेबल रहेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो यही सब बातें आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ के साथ में, और साथ में ये भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, क्या बेसिक आपको चीज़ें की जरूरत भी पड़ सकती है अगर आप पहली बार इंडिया से यहाँ पे पहुँच रहे हैं करके। तो ये सारी बातें आज हम सिद्धार्थ से समझने वाले हैं। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? ऑल गुड अंशुल, थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू आवर चैनल सिद्धार्थ, एंड टुडे लाइक हम लोग यही सब बातें जो आपको बता रहे हैं सब डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये जानना चाहता कि अभी तक जैसे आपको एक साल लगभग हो चुका है फुल्डा में, तो एज अ सिटी आप कैसे इसको क्या कैसा लग रहा है आपको माहौल यहाँ पे, लोग फ्रेंडली है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी कैसी है, ये सब एक्सपीरियंस क्या? सो अंशुल, व्हेन आई केम हियर सो आई फाउंड द सिटी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड द पीपल आर सो नाइस, और इट्स या आई वुड से दैट अगर आपको जर्मन आती है तो बहुत आसान होगा और पीपल बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात हो गई तो यूनिवर्सिटी इज़ सो नाइस, यू नो यू हैव लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स हियर। मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मेरा बायलिंगुअल जर्मन और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, और लाइक मेजॉरिटी ऑफ लाइक जो मेरी क्लास की लाइक पॉपुलेशन है, दे आर यू नो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज इन जर्मन, सम आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड देन सम आर एशियंस, लाइक 5 to 6% आर एशियन, मिक्स कल्चर टाइप, या मिक्स कल्चर है, साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिका से भी यू नो देर आर सम स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ऐसा है दैट वी हैव लाइक क्लासेस, लाइक इट्स नॉट सो हेक्टिक, टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट सो हेक्टिक, लाइक वी हैव लॉट ऑफ असाइनमेंट्स बट लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस आर देयर, तो उसमें हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है। एंड उसके बाद यू नो आफ्टर आवर लाइक यूनिवर्सिटी यू नो वी जस्ट चिल विद सम यू नो सम आवर पेरेंट्स लाइक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग के पास बास्केटबॉल कोर्ट है एंड देन वी हैव मेंजा, सो वी यू नो मीट इन मेंजा, अदरवाइज बास्केटबॉल कोर्ट। तो मेरे को बताया था कि लाइब्रेरी बहुत ही बेहतरीन है, एब्सोल्युटली, लाइक आई एम रियली फ्लैबरगास्टेड टू सी द लाइब्रेरी वंस आई एंटर्ड। सो अभी जस्ट हम लोग चलेंगे लाइब्रेरी, तो आई विल शो यू द हाउ इज द लाइब्रेरी, इट्स वेरी नाइस, दे हैव लॉट ऑफ बुक्स एंड यू कैन जस्ट बुक द रूम एंड देन यू नो यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशंस, तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो वहाँ पे, वैसा है। एक चीज और पूछनी थी मेरे को कि जैसे कई लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है या पेपर जो है हैंड रिटन वाले नोट्स चल रहे होते हैं, तो वैसा सिस्टम चलता है यहाँ पे जनरली या मेजरली ऑल सब ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू आप लोग पढ़ाई करते हो, लैपटॉप के थ्रू पढ़ते हो? मतलब जनरली तो यहाँ पे सारी चीज़ें लैपटॉप के थ्रू और मतलब आईपैड्स वगैरह, मतलब यू नो इट्स वेरी कन्वीनियंट, तो बुक्स वगैरह सारी लाइब्रेरी में मिलती है, बट पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अगर ऑनलाइन प्रेफर यू नो पढ़ लूँ और जो मार्क करना रहता है तो आई जस्ट मार्क द थिंग्स एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू यू नो जस्ट रीड एवरीथिंग यू नो फॉर द फ्रॉम द पीडीएफ एंड आफ्टर दैट आई प्रिपेयर माई ओन नोट्स। चलो ठीक है। और आज मैं इनके जो हॉस्टल है स्टूडेंट हॉस्टल वहाँ पे भी रह के आया हूँ इनके साथ में, हमने चाय पी है साथ में तो इनसे ये भी जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप एक महीने का खर्चा नोट करना चाहते हो फुल्डा में एवरेज कितना आता है, क्या क्या मेजरली एक्सपेंस यहाँ पे लग रहे हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा सिद्धार्थ, क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे आप मंथली एक्सपेंस समझाना चाहते हो तो कितना हो रहा होगा? सो यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अराउंड 500 to 600
के रेंज में, यू नो, आई वुड से इतने में हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 300 या 350 का आपको अपार्टमेंट मिलता है, लाइक 300 या 250 या 280 का भी मिल सकते हैं, और डिपेंड कि आपको कहाँ मिलता है. स्टूडेंट इन वोनाई में जनरली 300 350 में मिल जाता है. उसके बाद 100 आपका इंश्योरेंस जाता है, तो इट्स 450, एंड आफ्टर दैट, यू नो, 100 टू 150 आप ले लें अपने मंथली एक्सपेंसिस के लिए. बेयर मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मतलब, लेकिन इतने में यू नो यू कैन जस्ट लिव, एंड एक डिसेंटली आप, यू नो, यहाँ पे रह करके आप अपने एक्सपेंसिस को मैनेज कर सकते हैं. ग्रॉसरी वगैरह इसी में इंक्लूड हो जाता है? ग्रॉसरीज, या 150 ग्रॉसरीज आप ले लें, मंथ की ग्रॉसरीज आपकी 150 यूरोज में जाती है. मोबाइल के बिल वगैरह जो है आपके, इसमें ऑलरेडी क्या वाईफाई इसमें इंक्लूड होता है? राइट राइट, सो वो वार्म मीटर होता है. वार्म मीटर में यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी, यू गेट द वाटर, यू गेट, यू नो, ऑल एक्सेस ऑफ, यू नो, एवरीथिंग. सो उसमें मतलब कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती. एक सिद्धार्थ, तुम्हें एक और सवाल आपसे जानना था कि जो हॉस्टल आप बता रहे कि जो हॉस्टल का रेंट 280 से 350 यूरोस के बीच में मिल रहा है, इसमें क्या आपका इंटरनेट के चार्जेस होगा या जो हीटिंग के बिल्स वगैरह आते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी? हाँ, इसमें इंक्लूड होता है. तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है प्लस जो गैस है और साथ में वाईफाई है, सो यू गेट, यू नो, इंक्लूसिव. तो इसको कहते हैं वार्म मीटर. तो वार्म मीटर में लाइक 350 जो मैं बता रहा हूँ, 280-350 में आपको मिल जाता है जनरली. उससे ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी ले रहे हैं तो यू गेट, यू नो, बिट चीपर. अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हो तो अराउंड 350-400 के रेंज में जा सकता है, बट 400 इज रियल ऑन द अपर साइड. चलो, तो मतलब कि अगर आप फुल्डा की बात करेंगे तो फुल्डा में लिविंग एक्सपेंसेस इज नॉट एज हाई एज टू, लेट्स से, कंपेयरिंग टू अदर टीयर वन कंट्रीज इन जर्मनी, बर्लिन, म्यूनिक के पराप्स, है ना. तो यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आपने देखा है कि बहुत अच्छा कैंपस है. अब बात करते हैं कि एक एज ए स्टूडेंट यहाँ पे इन्हें जो स्टूडेंट आईडी मिलती है उससे इनका ट्रैवल भी फ्री हो जाता है. जो सवाल कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या मैं उस शहर में फ्री ट्रैवल कर सकता हूँ या दूसरे स्टेट में भी जा सकता हूँ, एक बार उस पे भी मेरे को थोड़ा सा बताइए. तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है, मतलब हेसन का. हेसन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम लोग को पब्लिक यूनिवर्सिटीज, सो वी गेट फ्री पास फॉर होल दिस लाइक बुंडसलैंड, लाइक पूरे हेसन के लिए. हाँ. जो स्टेट है और उसमें सारी सिटीज़ हम फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, बट उसमें हम ICE नहीं ले सकते हैं. ICE छोड़ करके जो बस हो गई या रीजनल ट्रेन्स हो गए, जब बसेस हो गए, उसका एक्सेस हमारे पास रहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम. ICE बेसिकली जो फास्ट ट्रेन्स कह सकते हो आप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टेट, इंटरसिटीज़ वगैरह ट्रैवल करती हैं, वो वाली ट्रेन्स हो गई हैं. रीजनल वगैरह में ट्रैवल कर सकते हो, जितने भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. और जो इसकी फ़ीस भी, मेरे ख्याल से जो आपसे सेमेस्टर फीस ली जाती है, ये टिकट भी आपको उन्हीं उसी के बेसिस पे दिया जाता है. तो सेमेस्टर फीस, मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी की तो पहली कोई फीस नहीं होती है, सो देयर इज जस्ट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन. तो उस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में वी हैव द एक्सेस ऑफ दीस, यू नो, द ट्रेन एज वेल एज द बसेस. थैंक यू सिद्धार्थ फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. एक अब अपने बात करते हैं कि जो मैंने पूछा था कि क्या पार्ट टाइम जॉब मिलना जर्मनी में या फुल्डा में आपके लिए कितना आसान रहा, और इसमें आप मेरे को जवाब इस तरह से बताइएगा कि क्या जर्मन आप सीख के जो आए थे ऑलरेडी वो आपको हेल्प किया कि नहीं किया. ओके. और कोई एक ऐसा एग्जांपल भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या जिसको जर्मन नहीं आती उसको क्या बिल्कुल भी यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है? ओके. उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो यहाँ पे मैं आया था लाइक नवंबर, और उसके एक मंथ बाद मेरा अनमेल्डिंग वगैरह सब हो गया, एंड आफ्टर दैट आई वॉज अप्लाइंग फ्रॉम ऑनलाइन एज वेल, बट इट जनरली टेक्स लाइक वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ, यू नो, जस्ट गेट इन टू अ जॉब, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है. सो वॉट आई डिड, आई जस्ट, यू नो, हैड ए ट्रिप ऑफ द सिटी, एंड देन आई जस्ट आस्क डायरेक्टली, यू नो, द शॉप्स और जो भी सेंटर्स होते हैं, तो सम ऑफ देम रिप्लाइड दैट यू हैव टू गो द ऑनलाइन पोर्टल, बट देर इज स्टे गुड क्वार्टियर, सो देर इज लाइक द सुपर मार्केट, एंड देयर इट सेल्फ सेम डे दे सेड दैट जस्ट गिव योर this like resume and cover letter, and after that we'll update you. So like next day I got the call from the like boss chef, and then he told that you come for the interview, and then fir they checked my German, or fir you know just 15 days mein mera contract aa gaya tha, and I was appointed there. To main January mein start kar diya tha wahan pe job karna, and wahan pe main kassa pe kaam karta tha, so I worked like as a cashier there. So I worked there for 2 months. उसके बाद बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स आई हैड टू लीव द जॉब. और उसके बाद वहाँ पे क्या सैलरी थी एज अ कैशियर आपको पार्ट टाइम में? तो वहाँ पर मंथ नेटो मेरे को अराउंड 750 यूरोज आ जाता था. सो कितना आपको अलाउ होता था एक महीने में, कितने आवर्स की आप जॉब कर रहे थे? सो एज ए स्टूडेंट इन जर्मनी वी आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, नॉट मोर देन दैट, एंड दिस इज नेवन जॉब, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर जॉब वेर इन यू कैन वर्क लाइक 8 आवर्स पर वीक, एंड वेर इन you get a salary of like 450 euros you know per month. Okay. But right now because of the inflation the salary has been increased, so right now the students will be getting 550 per month. तो अब क्या पर आवर की जो सैलरी मिलती थी पहले वो अब इंक्रीज होकर निकल जाए, पहले शायद 8 या 10 यूरो थी, करेक्ट, अब वो 12 यूरो में निकल अराउंड अप्रॉक्सीमेट वो 10 यूरो थी.
9.58 या समथिंग, अब जो है वो 12 यूरोस कर दिया गया है. सो या सो राइट नाउ द मिनिमम वेज इज यू नो 12 यूरोस. ठीक है. सो इसमें एक पॉइंट सब लोग नोट करना कि आप लोग यहाँ पे बैठ के सोचोगे कि हाँ मेरे को जॉब देने वाला कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. इसने भी सब जगह जा जाके जॉब सर्च करी है, इसको पार्ट टाइम जॉब तब जाके मिली है. जर्मन ऑलवेज हेल्ड हिम, है ना. तो जर्मन सीख के आना सब लोग. या श्योर. इनफैक्ट एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि यहाँ पे जैसे जॉब सेंटर हो गया है या जॉब क्राइस सेंटर, जो ऐसे ऐसे कुछ जॉब सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जा करके यू कैन नो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन आस्क दैट इज देयर एनी जॉब. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं एंड दे डोंट नो जर्मन, सो दे आर फ्रॉम यू नो एशियन कंट्रीज और समवेयर. सो लाइक बींग यू नो आई कैन स्पीक जर्मन, सो दे कम टू मी समटाइम्स एंड दे आस्क दैट लाइक इज देयर एनी जॉब अवेलेबल. सो आई जस्ट अकंपनी देम टू दैट प्लेस, टू दैट जॉब सेंटर, एंड देन आई आस्क विद द पीपल दैट वेदर द जॉब इज अवेलेबल, एंड दे आस्क इवन एट लीस्ट A2 लेवल, बिकॉज विद A2 लेवल यू नो दे हैव सम jobs related to scanning, packaging, but there also you have to, you know, understand something, right? You know, you need to just read something. So that is also bit of like A2 German is, you know, like minimum requirement, I would say. हाँ, मतलब जितना सीख के आ सकते हो, A1, A2 level minimum होना चाहिए, उतना सीख के हो तो आपकी life यहाँ पे बहुत comfortable हो जाती है. चलो, thank you so much Siddharth for taking us a tour for the University of Fulda. एंड आज हमने इनसे बहुत कुछ जानने को सीखा कि कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे जॉब ढूंढी जा सकती है, जर्मन लैंग्वेज कितना हेल्प कर रहा है आपको. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. एंड लाइक आई ऑल्सो केम टू नो दैट यू हैव नाउ गॉट अ जॉब एज वेल. या सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑल्सो रिगार्डिंग दिस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी, कैसे एडमिशन मिल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, तो बिना किसी प्रॉब्लम के कॉन्टैक्ट करो हमें, ईमेल करो या मेल करो या कॉल भी कर सकते हो आप लोग. So thank you so much Siddharth for giving us your time, and I also came to know that he has now got a job as well. Inko full time employment bhi offer yahan pe aa chuka hai, and he'll be soon probably moving to the employer in the city as well. Yeah. And thank you so much for giving your time. Thank you so much Anshul for being here as well. It was really nice pleasure to meet you. Thanks.